अगर मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है तो ठीक किया जा रहा है। एंकर इमरान खान। निजी टीवी चैनल मालकान ने अपने सियासी और कारोबारी मकासद हासिल करने के लिए चैनल्स बनाए हुए हैं। एंकर इमरान खान का इंकशाफ। मारूफ एंकर पर्सन इमरान खान ने अपनी वीडियो में सियासी कारोबारी मकासद हासिल करने वाले निजी टीवी चैनल मालकान का भांडा फोड़ते हुए इंकशाफ किया है कि निजी टीवी चैनल्स के मालकान ने अपने सियासी और कारोबारी मकासद हासिल करने के लिए चैनल्स बनाए हुए हैं ताकि वो चैनल की आड़ में हुकूमत से कोई भी काम निकलवा सकें। जिन जिन टीवी चैनल्स के मालकान ने अपने सियासी कारोबारी मकासद हासिल करने के लिए न्यूज चैनल्स बना रखे थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन तमाम निजी टीवी चैनल्स के सियासी और कारोबारी मकासद हासिल करने का सिलसिला बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार मैं मरहूम नईमुल हक साहब के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, इमरान तुम्हारे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा कौन सा मीडिया ग्रुप दुश्मन है, तो मैंने जवाब दिया जियो एंड जंग, जिस पर मरहूम नईमुल हक ने मुझे सरकारी इश्तहारात की फहरिस्त दिखाई जिसमें सबसे ऊपर जियो था जिसको सबसे ज्यादा महंगा इश्तहार दिया गया था, जिस पर मैंने नईमुल हक साहब से दरियाफ्त किया क्या ये रिश्वत है, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं ये मेरिट है क्योंकि जियो सबसे ज्यादा देखा जाता है इसलिए सबसे ज्यादा महंगा इश्तहार भी इसी को मिलता है। एंकर इमरान खान का कहना था कि नईमुल हक साहब ने मुझे बता दिया था कि अब किसी भी टीवी चैनल को दोस्ती कारोबारी या सियासी बिनादों पर इश्तहारात नहीं देंगे बल्कि इस सिलसिले की कड़ी को तोड़ेंगे और इसी के बाद तमाम निजी टीवी चैनल्स को वो पैसे जो सरकार से बड़ी आसानी से और खुले खाते मिल जाते थे, इसका सिलसिला बंद हुआ तो बहुत सारे टीवी चैनल्स बंद होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि बंद होने वाले टीवी चैनल्स में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो अपने बलबोते पर चल सकें क्योंकि माजी में चैनल बनाए ही इसलिए जाते थे कि इससे सियासी मकासद और इश्तहारात की मद में सरकार से भारी रकम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और बहुत अच्छा काम किया है, जितने भी निजी टीवी चैनल्स के मालकान थे इनके सियासी तौर पर हासिल करने वाले मकासद का सिलसिला भी बंद कर दिया है जिसके बाद बहुत से निजी टीवी चैनल्स ने ये सोचकर अब इसका कोई फायदा नहीं अपने चैनल्स बंद कर दिए हैं। बाद में उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स के बंद होने की असल वजह निजी टीवी चैनल्स के मालकान खुद हैं जिनके पास अपने सियासी कारोबारी मकासद हासिल करने के अलावा कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। एंकर इमरान खान ने मीडिया की मादर पदर आज़ादी की मुखालफत करते हुए कहा कि मीडिया को कंट्रोल ही होना चाहिए। इनका कहना था कि चीन ने जिस तरह कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल कर लिया इसकी एक बहुत बड़ी वजह मीडिया पर इनका कंट्रोल भी था। इनका कहना था कि मादर पत्र आज़ादी से दुनिया बनती नहीं बल्कि तबाह हो जाती है। एंकर इमरान खान का कहना था कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सच ना बोलने दिया जाए बल्कि कंट्रोल का मतलब ये है कि झूठ ना बोलने दिया जाए।